गूगल क्रोम की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे गूगल क्रोम के अंदर लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप अपने गूगल क्रोम का लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है उसको इस तरह ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आपने सिंपली जाना है थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपने जाना है मोर टूल्स में। एंड मोर टूल्स के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिवेलपर टूल्स का, तो आपने सिंपली डिवेलपर टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब डिवेलपर टूल्स के अंदर आपने जाना है सोर्सेज में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्सेज, एंड सोर्सेज के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन, ठीक है। सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट होगा वो होगा नो ओवरराइड, ठीक है। सो आपने यहाँ पर लोकेशन चेंज करने के लिए मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम लोकेशंस, तो ये कुछ कस्टम लोकेशंस है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई न्यू लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर ऐड लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपने यहाँ पर लोकेशन नेम टाइप करना है, एंड देन आपने लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड यहाँ पर उसका जो रेशो है वो आपने यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद टाइम जोन है, एंड देन यहाँ पर लैंग्वेज है। सो अगर आप किसी लोकेशन का लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली जाना है गूगल में, एंड गूगल में जाके आपने सर्च करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है मुंबई, इसका जो लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पर एग्जैक्ट वही चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जो इसका टाइम जोन है, टाइम जोन को भी आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया है मुंबई टाइम जोन आईडी, तो यहाँ पर आ रहा है एशिया कोलकाता, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड ये लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आपने सिटी का नाम टाइप करना है, उसके बाद आपने लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड का जो वैल्यू है उसको पुट करना है, एंड देन आपने यहाँ पर टाइम जोन आईडी टाइप करना है, एंड देन आपने लैंग्वेज टाइप करके उसको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद वो स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो आपके पास यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। एंड ऐड करने के बाद आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, एंड देन वो जो लोकेशन है वो सेट हो जाएगी आपके गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है। सो आप इसी तरह लोकेशन चेंज कर सकते हैं गूगल क्रोम के अंदर, एंड आप इस लिस्ट के अंदर उस लोकेशन को ऐड कर सकते हैं, एंड देन आप उसको सेट कर सकते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ योर गूगल क्रोम, ठीक है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।